नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का एक और वीडियो लेके आ रहे हैं सलेमगढ़ से जयसिंह भाई के यहाँ से। जयसिंह भाई को जानते हैं आप, डेयरी को भी पहचानते हैं। कम वीडियो आती हैं, लेकिन ऐसा डेयरी फार्म जिनकी अगर हमने आज से 2-4 साल पहले पहली वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत जायज रेट की थी, और आगे भी जो वीडियो हमने शूट की लगभग सारी की सारी भैंसे गायें जो भी पशुधन इनके फार्म पे होता है बिल्कुल जायज जो है वो कीमत का होता है। आज की वीडियो में भी हम पशुधन देखेंगे, रेट पूछेंगे। बहुत सारी गायें भी खड़ी हैं, बछड़ियां भी खड़ी हैं, और एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का मुर्रा नस्ल का बुल भी खड़ा है। तो सलेमगढ़ हिसार से ये वीडियो लेके आ रहे हैं, हिसार से बगला रोड पे इनका गांव है। जयसिंह भाई नमस्कार। नमस्कार जी सुरेंद्र भाई साहब, कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया सर। तो कितने पशुधन टोटल आज खड़ा है जी अपने? बिक्री के लिए 5 है। ये बच्चियां भाई साहब बेच रखी, उसमें कुछ गायें हैं, कुछ अच्छी बच्चियां हैं। ठीक है, महाराष्ट्र जाएगी भाई साहब। ठीक है, महाराष्ट्र बेची हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। ठीक है, तो किधर से दिखाएंगे? बुली दिखा दे पहले, जोटा ही दिखा देते हैं सबसे पहले। जोटा भाई साहब, इसकी क्या पोजिशन है, कितने का बेचना है, क्या इसके रिकॉर्ड हैं, बताओ कुछ सारी चीज। इधर लो, इधर सुरेंद्र भाई। हाँ हाँ, ये देखो जी, लंबाई ऊंचाई मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल छोटे सिंह का, बहुत बढ़िया पीठ की क्वालिटी देखिए, जैसे बना के लगा रखी हो पीठ, बिल्कुल एक्यूरेट जो फीट पीठ होती है वो पीठ जो है कटड़े की है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पूंछ, बिल्कुल काली, टेस्टिकल का साइज बहुत अच्छा, सारा कुछ जो है बुल में बहुत बढ़िया दिखा। शरीफ है, बिल्कुल शरीफ। कितने दूध वाली भैंस का है? 23 किलो 200 ग्राम रिकॉर्ड है इसकी माँ का भाई साहब, 23 200 का। और फादर का भी पता है? M29 का बेटा है, माँ का दूध जो है इसका 23 किलो 200 ग्राम का रिकॉर्ड है। ये देखिए बिल्कुल काली पूंछ का है, टेस्टिकल वगैरह पीठ वगैरह सारा कुछ बहुत बढ़िया। कितने का बेचना है जी भाई साहब? मौके की देखें, इसके तो ग्राहक होगा उसी हिसाब बेच देंगे भाई साहब। अच्छा। क्या पंचायत भी मांग ले, ग्राम पंचायत है, उसी हिसाब से है, कोई ग्राहक होगा उसी हिसाब से रेट करेंगे भाई। अच्छा, इसका रेट मौके पे होगा? मौके का होगा भाई साहब। ठीक है ठीक है, तो ये देखिए मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ बुलाब भाइयों को, बहुत ही शानदार साइज, बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, A to Z। देखिए सिंग देखिए बिल्कुल छोटा, बहुत बढ़िया। दो नंबर पे भैंस देखते हैं जी, खोलो जी, इधर लेना भाई। ये जयसिंह भाई क्या पोजीशन है? ये भाई साहब है मुंह से 4 दांत है, पाड़ के दांत भी दिखाऊंगा, दूसरी बार बच्चा देगी भाई साहब। अच्छा, दूसरी बार बच्चा देगी। कम से कम भाई साहब इसके 15 दिन बकाया भी है सुरेंद्र भाई, ले उठे करीब चली है। अच्छा, कितने की बेचनी है? 1,25,000 की बेचनी है। 1,25,000 रुपए की बेचनी है। देखिए थोड़ा सींग खुला जरूर है, लेकिन नीचे की बहुत बढ़िया। और से 4 दांत पाड़ के दिखाऊंगा आपको। कितना दूध दिया पिछले मैथ में? 13 किलो दूध बताया, पानी पीने दे भाई। 13 किलो दूध जो है वो बताया है, दांत भी दिखाएंगे उससे आगे। एक बार दूसरी भैंसे दिखा देते हैं, ये भी ब्याने वाली है, तीनों भाई साहब प्रेग्नेंट है, क्या पड़े बच्चा देने वाली है। ब्याई हुई आजकल कम मिलती है? कम मिल रही है सुरेंद्र भाई। ये कितने की बेचनी है, क्या पोजीशन है इसके भाई साहब? 7-8 दिन बकाया है। हाँ हाँ, और तीसरी बार में धनी ने बताया भाई साहब 17-18 किलो दूध दे रखे। अच्छा, बेचनी कितने की है? 1,25,000 की है देनी सुरेंद्र। ये भी जो है 1,25,000 की बेचनी है। देखिए जी मीडियम साइज की बहुत बढ़िया पावरफुल भैंस जो है सुरेंद्र भाई, नीचे से बहुत बनेगी भैंस। अच्छा, बकाया 10 बार। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए जी भैंसे जो हैं पानी पी रही हैं साथ साथ, और जो 4 दांत जोटी है वो देखिए थोड़ा सींग जरूर खुला है, लेकिन बॉडी करेक्टर वगैरह सारे कुछ बहुत बढ़िया है। दिखाओ, साइड में हाथ डालो, देखो सुरेंद्र भाई बिल्कुल बिल्कुल सही है, ओके है, 4 दांत, 4 दांत भाई सब, दूसरे बच्चा देख। हाँ 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 हाँ, नीचे से ये देखिए, नीचे से बिल्कुल साफ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 15 दिन बाकी हैं, बिल्कुल जी बच्चा। और ये वाली भाई, पहली बार बच्चा देगी भाई साहब, नीचे से बिल्कुल शरीफ है, खरकी ऐसी नहीं है, दिखाऊंगा आपको सुरेंद्र भाई। ये भी 4 दांत है मुंह से सुरेंद्र भाई। ठीक है, ये कितने की बेचनी है? ये बेचनी है 90 सुरेंद्र भाई, नीचे की बिल्कुल साफ सुथरी है, इसका समय बकाया है। बाकी कितने दिन रह गए? बाकी धनी के हिसाब से भाई साहब 6 तारीख को दिन पूरे हुए इसके, 6 तारीख को दिन पूरे होंगे, और ये वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग आप 3 तारीख को, 1 तारीख 2 तारीख 2 तारीख का। ठीक है ठीक है,
तो लगभग 4 से 5 दिन बाकी जो है जो टीके हैं, और 95,000 रुपए की जो है ये बेचनी है, 90,000 की। ठीक है, बिल्कुल छोटा सींग और साफ सुथरी जोटी देखिए, और 4-5 दिन लेती है, चाहे ब्याहे 2 दिन के बाद, लेकिन नीचे से बढ़िया बनी हुई है जोटी। यहाँ से देखो ऐसी ऐसी पड़ी है, नीचे की साफ सुथरी भी देखो, खरखी है। हाँ हाँ, कैसे आग लगा, बिल्कुल सील है, बहुत बहुत सुंदर कटड़ी है। चारों चारों ठंड देखो भाई साहब, इसके कितने गेप में, ये देखो बहुत बढ़िया। 90,000 की प्राइस है भाई साहब, 90,000 की बेचनी है, फिक्स रेट है, फिक्स रेट है भाई साहब। ठीक है ठीक। हाँ जय सिंह भाई, इस गाय की बात कर रहे थे आप। गाय भाई साहब बच्चा देने वाली है 2 या 3 दिन में। ठीक है, दे सकती है 2 दिन में, दे दे 3 दिन ले ले, 4 दिन ले ले। कितने दूध वाली है, बार बच्चा देगी भाई साहब? हाँ, धनी ने 16-17 किलो भाई साहब फर्स्ट ब्याज का बताया, 20 किलो आरामदारी से दे देना चाहिए गाय को, 20 किलो निकाल देगी बिल्कुल आरामदारी से। बेचनी कितने की है? 60,000 रुपए की मूल्य बच्चा, 60,000 रुपए की बेचनी है। देखिए कुछ ना कुछ देसी का भी मिक्सिंग है, और क्रॉस गाय है, थोड़ी बहुत कोई ब्रीड है तो विदेशी हो सकती है, क्रॉस गाय है, और बिल्कुल शरीफ है। नीचे से अडर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये देखिए 60,000 रुपए की बेचनी है। 80,000 मांग लो, फिर देनी अपने को 60,000 की बच्चे। ठीक है, फिक्स रेट होते हैं अपने। ठीक है, ये आगे वाली गाय भाई, ये भाई साहब बेच रखी है, क्या पोजीशन पे दी है ये, कितने की बेचें, कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये पूना के नजदीक गांव है भाई साहब, वहाँ जाएगी। हाँ हाँ, कितने की बेची है ये? ये जोड़ा दिया भाई साहब 1,00,000 रुपए का, 50,000 की दोनों भाई साहब। कितने कितने दिन बाकी हैं दोनों के? इसके 8 महीने की है भाई साहब। हाँ, इसके अभी 20-25 दिन बताया, 20-25 दिन। हाँ जी, तो ये 50,000 में उनको यहाँ दिए, वहाँ यहाँ दिए भाई साहब, वहाँ किराया भाड़ा अलग अलग है भाई साहब, किराया भाड़ा सारा टोटल आपको बता देंगे, ये बछड़ी भी उनके दिए भाई साहब। ठीक है, ये देखिए जी 50,000 रुपए की मेरे हिसाब से बहुत जायज कीमत है भाई की, और ये भी देखिए क्रॉस ब्रीड की है, और एक और गाय है बड़ी काले रंग की, 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है सुरेंद्र भाई। हाँ, पहले, हाँ जी पहले ब्याह की भाई साहब, पहली बार बच्चा देगी। ये दिए 32,000 की सुरेंद्र भाई, 32,000 रुपए की। ये देखिए जी धमाका ही कर दिया भाई ने, तो 32,000 रुपए की गाय जो कि 3 महीने की प्रेग्नेंट है बच्चिया, वाह जी वाह। ये वाली, ये भी प्रेग्नेंट है सुरेंद्र भाई, 1.5-2 महीने की। हाँ, ये दिए भाई साहब 22,000 रुपए की, 22,000 की, कमाल कर दिया भाई। फिर ऐसी बछड़ियां अगर कोई और भाई मांगेगा गाड़ी मिल जाएगी सुरेंद्र भाई? ये छोटी उन्होंने गाय 3-4 खुद ने च्वाइस कर ली, इस 25,000 में जितनी भी 11 बछिया है सबकी पहुंच से हमारी बात हुई थी। अच्छा, कोई इसमें 17,000 की भी है, कोई 18 की भी है, कोई उसमें 19 की भी है, कोई 22 की भी है, कोई 20 की। अच्छा, 25,000 में पहुंच पहुंच भाई साहब। अच्छा, कमाल है भाई। ये वाली बछिया, ये भाई साहब 20,000 की दी है। अच्छा ठीक है, ये भी प्रेग्नेंट है भाई साहब। ठीक है, और ये आगे वाली, ये भी सब भाई साहब कोई महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 1.5 महीने की है, देखो कोई तसली तो 3 महीने की पास हुई उसकी गारंटी है भाई साहब, महीने 1.5 महीने की कोई गारंटी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये सभी भाई साहब 20,000 की पुठे से मान के चलो, जितनी भी बछड़ियां अपने पास है ये 20,000 का पुठा टोटल यहाँ इकट्ठा हो गया भाई साहब। 20,000 रुपए की लगभग जो है ये कीमत है इन बछड़ियों की, देख रहे हैं आप साफ सुथरी बछड़ियां हैं और बहुत ही जायज कीमत। जैसा कि वीडियो जब मैंने शुरू किया उस टाइम बताया था कि भाई की जो रेट है वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल जायज होते हैं भाई, 4.5-5 महीने की। ठीक है, ये क्या 4.5-5 महीने की, बिल्कुल भाई सब चेक हो गया, ये चेक हो गया, कमजोर जरूर है, ये भी उसी रेट में है, एक ही रेट में भाई सब टोटल की टोटल। ठीक है ठीक है, ये देखिए जी, ये भी बछड़ी है भाई साहब, खीरी बछड़ी है, कोई 2 दांत है तो शायद कोई गैप बना तो ही है, खीरी बछड़ी है लगभग सुरेंद्र भाई, दूध के दांतों में, दूध के दांतों में सुरेंद्र भाई। ठीक है ठीक, ये भी गैप बना सुरेंद्र भाई। ठीक है, ये भी गैप, ठीक है, ये गाय भी है भाई साहब गिर नस्ल की। अच्छा, गिर क्रॉस है ये, हाँ हाँ भाई साहब, ये 36,000 रुपए, ये ब्याने वाली है। अच्छा, बछड़ी है, ठीक है, 36,000 की दी है, और ये फिर 20 वाली कैटेगरी वाली आ गई। हाँ, ये 20 वाली आ गई सुरेंद्र भाई, ये देखिए जी गाय दूध वाली है, 36,000 रुपए की ये गाय, ये भी पुनः जाएगी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ठीक है ठीक है, पहले भी लेके गए हैं वो भाई पशु अपने पास, लेके गए हैं भाई साहब, अब की बार उनका गाय की डिमांड थोड़ी ज्यादा है, गाय की डिमांड मेरे ख्याल से ज्यादा हो रही है महाराष्ट्र में, है ना? हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। अच्छा, गाय भी भेज दी हमने, अब की बार उनकी बछड़ियों की डिमांड खुद हम घर पर तैयार करेंगे, इनको खिला पिला के। अच्छा, खुद तैयार करेंगे बछड़ियां, ये देखिए
ये छोटी बछड़ी भाई सर दूध कितनी बछड़ी है? 12 महीने की बछड़ी है लगभग सुरेंद्र भाई। ठीक है ठीक है। कोई बोलते हैं 20,000 रुपया रेट ज्यादा है सुरेंद्र भाई, कोई नहीं देगा जो 12 महीना खिलाता है उसको खर्चा। मैं तो कह रहा हूँ बचेगा बच्चा क्या होगा 20,000 में किसान को। मैं भी खरीद के ले आया हूँ, इनका किराया भी दिया हूँ, दवाई भी दिया हूँ, उनको भी पहुँच दिया हूँ भाई साहब। मैं भी तो इसमें 1-2 रुपया कमाया हूँ सुरेंद्र भाई, ये नहीं कमाया मैं, मैंने इकट्ठी भी की है, कागज भी बनवाए है, गाड़ी भी भरूंगा, मैंने भी तो मेहनत लगाई इसमें। सही बात है, 2 रुपया मेरे आए जब भी मैं उनको दिया हूँ। सही बात है, ऐसे ना सुरेंद्र भाई, कभी किसी में ज्यादा किसी में कम, सब में चलता रहता है। ठीक, काम चलना काम चाहिए, काम चलना चाहिए सुरेंद्र भाई। 2 रुपए अपने को आगे, 2 रुपए अगले पे भी आना चाहिए। सही बात, जो लीजा आगे इनको पालेगा, खर्चा लगाएगा सुरेंद्र भाई। सही बात है, सही बात है। चलो बढ़िया है जय सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए जी, बहुत ही जायज रेट जो है बछड़ियों का भी लगा, गाय का भी लगा, भैंसों का कई दिन हो गए जो है देखी नहीं कैसी जो है क्या रेट चल रहा है। आजकल ब्याई हुई मिलती नहीं, क्या भी भैंसे खड़ी हैं तो समझ सकते हो आप, आज के दिन मार्केट में ताजी ब्याई हुई भैंसे बहुत कम मिलेंगी। ये भी गाय थी एक बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे थे? गाय है मेरी पास में। हाँ अब ये गाय से मांगने 80,000 रुपये मांग लो, अपने को वो धंधा नहीं करना, 2 रुपये अपने घर आए आप अगले को दे दी। सही बात है, हर यहाँ तो हर रोज आती है, हर रोज आती है सुरेंद्र भाई। सही मैं बात तो मैं बनवाता नहीं वीडियो, बुल के लिए बनाया था सुरेंद्र भाई स्पेशल। ठीक है, किसी भाई को बुल की जरूरत हो तो संपर्क कर सके भाई साहब। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए भाई का कहना है वीडियो बनवाते नहीं है, और ज्यादा वीडियो आने लगे तो मेरे ख्याल से भाई का जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पशुधन जो है अभी भी बेच रहे होंगे, लेकिन और ज्यादा बिकने लगे क्योंकि इनके रेट बहुत जायज। बातें बिल्कुल साफ सुथरी, कोई भैंस इन्होंने 12 किलो से ऊपर की गारंटी पे आज तक 20 किलो वाली भी नहीं बेची, 10 किलो 12 किलो 8 किलो कह के देते हैं कि दोनों टाइम का इतना दूध देगी भाई। 12 किलो दूध अगर भैंस दे देती है, 14-15 किलो दे देती है तो वो अच्छी ही जो है होती है। साफ सुथरा काम है भाई का। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना। आप भी इनसे पशुधन लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।